उत्तर प्रदेश के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, असेंबली के स्पीकर बनाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सतीश महाना का बिला मुकाबला मुंतखब होना तय हो गया है। आपको बता दें यूपी असेंबली के लिए आज हो सकते हैं असेंबली स्पीकर के ऐलान। तो लगातार हुकूमत की तमाम तर जो कवायद है, जो तश्कील की तैयारियां हैं, वो लखनऊ में जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ वजीर आला का हदफ हुआ तो दूसरी तरफ एमएलए के हदफ भी लिया गया और अब असेंबली स्पीकर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है और सतीश महाना का बिला मुकाबला मुंतखब होना तय बताया जा रहा है। तो यूपी असेंबली के लिए आज असेंबली स्पीकर का ऐलान किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि सतीश महाना के नाम का ऐलान किया जाता है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तमाम तर तश्कील, जो तमाम तर कवायद है, उनको लेकर पेशरफ्त जारी है और लगातार तमाम तर जो चीजें हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और अब असेंबली के स्पीकर को लेकर स्पीकर का इंतखाब होना है। आपको बता दें कि असेंबली के स्पीकर बनाने को लेकर तमाम तर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सतीश महाना का बिला मुकाबला मुंतखब होना तय बताया जा रहा है। तो यूपी असेंबली के लिए आज हो सकता है असेंबली स्पीकर का ऐलान। तो कौन होगा उत्तर प्रदेश असेंबली का स्पीकर, देखना ये होगा। हालांकि जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सतीश महाना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिला मुकाबला उनको मुंतखब किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि उनके नाम का ऐलान किस वक्त किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत तश्कील की तमाम सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। हलफ बरदारी तकरीब हो चुकी है, एमएलए औहदों का हलफ भी लिया जा चुका है और अब असेंबली के स्पीकर का इंतखाब भी आज मुमकिन।